मैं शुरुआत यहीं पर बीजेपी के साथ करूंगा। जनेंद्र दुबे साहब, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो विकास होना चाहिए था, जो संभावनाएं थी चंदौली के अंदर, वो नहीं हुई है। बोलिए आप। अभी आपको, रिपब्लिक भारत को और आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। यह भारत के विकास की बात है, ये अपने विकास की बात करते हैं, हम चंदौली के विकास की बात करते हैं जी, ये अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। मैं सोनभद्र के विकास की बात करता हूँ, तो अगर मैं जिलेवार चलता हूँ, लेकर के क्षेत्रवार लेकर के चलता हूँ, प्रदेश को लेकर के चलता हूँ और देश को लेकर चलता हूँ, तो इस भारत के गौरव को बढ़ाने का और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के चलने का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, किसी परिवार के लिए नहीं काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लोग चाहे जितना दम भर लें जी, जनता देख रही है। आप जिस सड़क से आए हैं, 400 करोड़ की 6 लेन की सड़कें बन रही है, ओवर ब्रिज, अंडर पास, मेडिकल कॉलेज, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर के जो किसानों के लिए, उनके लिए हम कितना गिनाए, थक जाएंगे सुनते सुनते, गिनते गिनते थक जाएंगे। वो कह रहे हैं संतोष यादव साहब, और सवाल यहां से भी आया कि जिसकी जमीन खाली वो सारी जो है इंडिया वालों की हो गई, ये स्थितियां थी, माफिया राज खत्म हो गया। बोलिए, भाजपा के सरकार बनने के बाद आप आए हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों को रिपब्लिक चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं जी, और भाजपा की सरकार बनने के बाद कौन व्यक्ति पोखरे की जमीन को कब्जा कर रहा था, ये पेपर में भी छपा और भाजपा से लेकर हर दल के लोगों ने इस बात को जानते हैं जी। इसकी आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा। और एक साथी ने कहा परिवारवाद, हमने कहा जिसके पास परिवार रहेगा वही तो परिवारवाद की बात करेगा। जिसके पास मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है, मैं अपने बीवी परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है, मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है, और आप सब मेरे परिवार के भाई बहन हैं, आप सब मेरी परिवार की माताएं हैं। मैं जब बोल रहा हूँ वो जब बोले तो हमने नहीं बोला, मेरे भाई हैं, तो मैंने जब मैं वो बोले तो मैंने नहीं बोला, परिवारवाद पर बोले तो भाजपा के लोग, इतना इतनी संभावनाएं रहनी चाहिए। मैं सवाल करूं आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप हम कुछ बोल दें तो आप कहें कि ये समाजवादी लोग गुंडे हैं, और कौन गुंडाई कर रहा है इसको आप देख लीजिए, देखने को मिल गया आपकी जनसभा में। जनेंद्र जी सुन लीजिए, ये कौन लोग गुंडाई कर रहे हैं आपके चैनल पर, ये देख लीजिए आप। नहीं नहीं, अपना जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इतनी संभावना होनी चाहिए कि किसी ने बोला तो बीच में वो एक बीच का कमेंट दे सकता है, इतना है, लेकिन रोके नहीं किसी को। नहीं, मैं बोलिए पूरी कीजिए बात। धीरेन जी सुनिए सुनिए, मैं अपने पत्नी का सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा और आपके बीबी का चिंता करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ये व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, फिर वो भी उसी उन्हीं चीजों पर आ जाएंगे। व्यक्तिगत सवालों पर नहीं होना चाहिए, सवाल है व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कुछ भी। हमारे समाजवादी पार्टी सुनिए, यहाँ चाहे पुल का मामला हो, अगर कई कई गंगा पे पुल बना है, चाहे वो बलुआ पुल, रामनगर पुल, सैदपुर पुल, समाजवादी पार्टी का सरकार में परिवारवाद का जिक्र आ गया। नारायण जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। अगर परिवारवाद की बात वो कह रहे हैं कि जिनका परिवार होगा वो परिवारवाद करेंगे, अरे लाइसेंस थोड़ी मिल गया है किसी को, अगर किसी का परिवार है तो घर राजा के जो घर में जो है वो राजा ही पैदा होगा, लाइसेंस मिल गया है किस बात का। आ रहा हूँ ज्ञानदीप, आ रहा हूँ वापस आपके पास। बोलिए जी, शांति से सुनिए, बहुत चिल्लाइए नहीं। परिवारवाद की परिभाषा बदल दिया मोदी जी ने, वो हमारे परिवारवाद को परिवारवाद कहते हैं, और जो उनके परिवार के लोग राजनीति करते हैं उनको कहते हैं, सदन में उन्होंने कहा, सदन में कहा कि जब उनको टोका गया सदन में, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि परिवार खराब है, जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे निकल सकते हैं। तो आपका परिवार अच्छा, मेरा परिवार हो गया तो खराब, ये दो अर्थी भाषा नहीं चलेगी। आप देश ऐसा नहीं है, आप देश ऐसा नहीं है, और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं। और दुबे जी आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है, ज्यादा बोलते हैं, आप आराम से बैठ जाइए, आप बीच में मत बोलिए, मैं कर लूंगा हैंडल, आराम से बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप करिए, इंटरप्ट आ रहा हूं मैं आपके पास, शांति से बैठिए। तो मेरा परिवार इनको बुरा लगता है, और ये इनके में जो परिवार है
ये इनके परिवार को बुरा नहीं लगता, कितना परिवार गिरा। यही देखिए है या नहीं, बसपा भी बता दे परिवारवाद का, अनुप्रिया पटेल परिभाषा दोनों की अलग अलग है या नहीं? आप लोग अकेले वो कर, मैं आ रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल लड़ रही है ना, उनके पति भी हैं। ठीक है ठीक है, परिवार आपका परिवारवाद की डेफिनेशन अलग है क्या? जैसे यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि दोनों सबके परिवारवाद अलग है, बसपा का कौन सा परिवारवाद है? चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें हमें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। हमारे जनपद का, हमारे लोकसभा सीट का और इस देश का क्या विकास है, इसी की समीक्षा इनका वोटर करता है। और हमारे पास एक मजबूत जनाधार है जिसके आधार पर मैं त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में अपने पार्टी को देख रहा हूँ। ठीक है, परिवारवाद पर जरा जनता से कमेंट ले लेते हैं, परिवारवाद की डेफिनेशन अलग हो गई है क्या? बोलिए। परिवारवाद एक बहुत कॉमन मुद्दा हो गया है आजकल। समस्या यह है कि एक परिवार से कोई एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, समस्या नहीं है। एक ही परिवार का, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, आप जो नारा दिए हैं, एक ही परिवार का, एक ही परिवार के पांच लोग, क्या पूरे प्रदेश में किसी को और नहीं मिला? उस परिवार से बाहर लोग नहीं जा सकते थे? उन्होंने वो नहीं किया, ये इनके परिवारवाद की भाषा है, परिभाषा है। हमारा परिवारवाद, हमने कोई परिवारवाद नहीं किया। आप काबिल हैं, आप आए, हो सकता था राजनाथ जी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं, पंकज सिंह जी तीन बार प्रदेश संगठन, यानी आप ये कह रहे हैं काबिल है तो आपत्ति क्या है? अगर कोई काबिल है और राजनीतिक परिवार से बैठे रहिए, अगर राजनीतिक परिवार से है, काबिल है, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, जिसके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता आप भी करिए, उनको कोई आपत्ति, कोई परिवारवाद नहीं है, जिसके अंदर क्षमता है वो निकलेगा आगे। यहाँ सब बैठे हैं भाजपा वाले मित्र, इनके परिवार में इनको इनकी क्षमता तो भी आगे निकले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नेतृत्व की क्षमता होगी आगे निकलेगा, जिसको जनता चुन के भेजेगी वो जाता है। लेकिन एक ही परिवार से, अगर एक ही परिवार में बार बार वो क्षमता दिख जाए तो सबसे बड़े सवाल वहां से खड़े होते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस बार शाइन कौन करेगा चंदौली के अंदर, बताइए जी। इस बार चंदौली में परिवर्तन रहेगा, इंडिया गठबंधन जीत रही है। कौन शाइन करेगा इस बार बताइए? इंडिया गठबंधन जीतेगी, वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं और चंदौली में जनता चुनाव लड़ रही है, नेता लोग नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। जनता कौन साइन करेगा बताइए? 1,00,000 वोट से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का जिक्र आ रहा है, कौन जीत रहा है इस बार, कौन शाइन करेगा इस बार? मैं समाजवादी के प्रतिनिधि से मैं प्रश्न बताइए, शाइन कौन कर रहा है इस बार? महेंद्रनाथ पांडे जीत रहे हैं, भारी बहुमत जीत रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी मंशा आप समझिए, ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि परिवार है तो परिवारवाद करेंगे ही करेंगे, ये इनकी मंशा। हम ये सर मानना चाहिए हमें कि हम विकसित भारत में हैं, जहां हम जो है शिक्षा की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा परिवार है तो मैं परिवारवाद करूंगा, और यही जब अमित शाह के लड़के के ऊपर आप लोग जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, क्या वो जो है टैलेंटेड नहीं हो सकता? अगर उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाए तो आप लोग को मिर्ची लगती है, और आप अपने परिवार में कहते हैं कि यही तो बात है। ठीक है ठीक है, कौन कौन शाइन करेगा इस बार बताइए, कौन शाइन करेगा इस बार? जैसा परिवारवाद में नहीं आता, यही तो बात है कि अमित शाह का बेटा जैसा परिवारवाद में नहीं आता, यही तुम लोग कौन जीत रहे हैं?